नमस्कार, मैं हूं ज्योति बिष्ट। आप देख रहे हैं भारत फोकस न्यूज। गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र के नगर पालिका कार्यालय में स्थित ईवीएम की सुरक्षा गार्ड में तैनात पम्मी पुत्र प्रवीण नामक 2018 बैच के सिपाही के द्वारा स्वयं को सरकारी शस्त्र से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस एवं अधिकारीगण। घटना के संबंध में आरक्षी द्वारा घटना से पूर्व बनाया गया एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि इनके गांव की रहने वाली एक महिला, जिससे करीब 2 वर्ष पूर्व इनका संबंध था, उस महिला के पुरुष व एक महिला मित्र के द्वारा इनको झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा था व अन्य चीज़ों को लेकर धमकी दी जा रही थी। इन सभी से आहत होकर आरक्षी द्वारा शस्त्र से आत्महत्या कर ली गई। वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा तत्काल ही अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी। आज दिनांक 16 जुलाई 2024 को शाम करीब 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना मुरादनगर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित नगर पालिका कार्यालय में स्थित ईवीएम की सुरक्षा गार्ड में तैनात एक पुलिसकर्मी 2018 बैच के आरक्षी पम्मी पुत्र प्रवीण के द्वारा स्वयं को सरकारी शस्त्र से गोली मार ली गई है। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस, फील्ड में इत्यादि तत्काल मौके पर आए। घटना के संबंध में आरक्षी द्वारा घटना से पूर्व बनाया हुआ एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिस वीडियो में इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी गांव की रहने वाली एक महिला, जिनसे करीब 2 वर्ष पूर्व इनका रिलेशन था, उस महिला के एक पुरुष मित्र तथा एक महिला मित्र के द्वारा इनको झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर एक्सट्रॉशन किया जा रहा था तथा अन्य चीज़ों को लेकर के धमकी दी जा रही थी। इन्हीं सब चीज़ों से आहत होकर के उन्होंने ये घटना की है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण में जो अन्य वैधानिक कार्रवाई अपेक्षित है वो सुनिश्चित की जा रही है।